नमस्कार, पियाजी फिल्म स्टूडियो की नई श्रृंखला जीवन दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुलाकात करवाएंगे आपसे राजस्थान की ऐसी खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने भारत के कई शहरों में राजस्थान के साथ साथ खूब नाम कमाया है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा रेखा मेवाड़ा की। उनसे मुलाकात करके जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ छुए अनछुए पल। रेखा जी, पियाजी फिल्म स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हमारी इंडस्ट्री में आप मशहूर हैं अपने शायराना मिजाज के लिए, तो शुरुआत करने से पहले कुछ चंद लाइनें हो जाए आपकी तरफ से। बिछड़ते वही हैं जो साथ चलते हैं, वरना आगे पीछे तो हजारों चलते हैं। क्या बात है। नमस्कार, मैं रेखा मेवाड़ा जीवन दर्पण में आप सभी का पीआरजी तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं आज अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी निजी जिंदगी के बारे में हमें बताइए। आपकी फैमिली, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपकी स्टडी और वो सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, सिस्टर है, भांजी है और मेरा भाई है। और घर में सब संभालने वाले सिर्फ मैं ही हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं राजस्थानी वीडियो एल्बम देखती थी, तो मैंने सोचा कि मेरे को भी राजस्थानी वीडियो में जाना चाहिए, जैसे कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं नूतन जी गहलोत, गौरव सर। तो मैं उनके बहुत सारे एल्बम देखती थी। तब मैं बहुत छोटी थी, 6th क्लास में पढ़ती थी, तब की बात है। तो फिर धीरे धीरे सबसे ज़्यादा मेरे घर में मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया था। तो फर्स्ट टाइम मैं सज्जन जी के यहाँ पर आई थी, तो स्टार्टिंग में मैंने बाबा रामदेव जी के ऊपर सज्जन जी ने एक मूवी बनाई थी, तो उसमें मेरे को एक साइड करेक्टर मिला था। तो उसमें मैंने बहुत अच्छा अभिनय किया, तो सज्जन जी को लगा कि इसको आगे और काम देना चाहिए। तो उन्होंने नेक्स्ट शेड्यूल में ही मेरा एक सबसे हिट कथा की थी, गजरा मारू जी, जिससे मेरा एकदम ही नाम हो गया। और फिर धीरे धीरे मेरे हिट सॉन्ग आते रहे, बागा में झूलन गई और जग घूमिया मेरा फेमस सॉन्ग, भादवे के सब हिट सॉन्ग आते रहे। और मैं सज्जन जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आगे से आगे काम मिले और नाम हो। और मैं चाहती हूँ कि सज्जन जी का सपोर्ट लाइफ टाइम तक बना रहे। बहुत खूब जी। सज्जन जी तक पहुँचने का जरिया क्या था आपका? एक्चुअली क्या है कि मैं स्टार्टिंग में शैलेश गोयल करके हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे सज्जन जी से मिलवाया था। तो मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज मैं इस स्टेज पर आई हूँ। तो शैलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जो आप मुझे सज्जन जी की एल्बम वीडियो वगैरह में लेके आए। और राजस्थानी एल्बम का मुझे शुरू से शौक था। ओके, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए, कहाँ तक पढ़ाई हुई है, आपकी रुचि कैसी थी पढ़ाई में? पढ़ाई में तो बहुत अच्छी रुचि थी, लेकिन जब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह होता था तो मैं पार्टिसिपेट करती थी। डांस का मुझे बहुत शौक था शुरू से, राजस्थानी गानों पे। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये चाहती थी कि कब मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ और अपना नाम रोशन करूँ, माँ बापा का और मेरे डायरेक्टर सर सज्जन सिंह गहलोत, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मैंने एमए फाइनल किया है, एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस में। और आगे मैं चाहती हूँ कि बस मुझे फिल्म इंडस्ट्री का बहुत शौक है, बड़ी लेवल की मूवी करूँ, सीरियल वगैरह। और मैं चाहती हूँ सज्जन जी का मेरा सपोर्ट लाइफ टाइम तक रहे। जी बिल्कुल, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप एक अभिनेत्री, एक अदाकारा नहीं होती तो क्या होती, इसके अलावा आपकी क्या क्या रुचियां रही हैं? मेरी तो स्टार्टिंग से यही रुचि है कि मैं बस एक अभिनेत्री बनूं, मुझे किसी चीज़ का कोई शौक नहीं है। ओके, और कोई भी आपकी हॉबी नहीं है? जी, अभिनय के अलावा आपकी और कौन कौन सी रुचियाँ रही है? डांस के अलावा मुझे बैडमिंटन का बहुत शौक है और गाड़ी चलाना मेरा फेवरेट है, बस। ओके, आपने और क्या क्या काम किया है एल्बम्स के अलावा, कहाँ कहाँ, लाइक मूवीज, सीरियल्स या कुछ किया तो उसके बारे में बताइए। मैंने हिंदी मूवी की है डेंजरसेस करिश्मा कपूर के साथ, उनकी छोटी सिस्टर का रोल था मेरा, जो कि मेरा डायलॉग था, नूर आपा सामने जो लाल मिर्च आ रही है उसकी शोहरत यहाँ के मर्दों से लेके दिल्ली की छावनी तक पहुँच चुकी है, ये मेरा डायलॉग था। और 4 दिन की चांदनी मूवी अनुपम खेर के साथ भी मैंने
रोल किया है, जैसे कि तुषार जी है, चंदर चोन है, और बहुत सारे अभिनेता के साथ काम किया है। करिश्मा जी है, वो मेरी फेवरेट एक्टर है जी। करिश्मा जी और माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट एक्टर्स है। ओके, और मेल एक्टर्स में कोई आपका फेवरेट है? मेल एक्टर्स में तो सिर्फ गौरव सर है। जी, आपने जैसे कि पहले नाम लिया नूतन जी और गौरव सर का, जी बिल्कुल, इनके अलावा ऐसा कोई है? अच्छा चलिए, ये एक अलग मैटर हो गया। आप ये बताइए कि इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में काम करते करते आपको कभी ऐसा लगा होगा कुछ आपके लिए कंट्रोवर्सी हो रही है, या कुछ आपके लोग आपके सामने कुछ और है, या पीठ पीछे कुछ और है, या? हाँ, लोगों को जलन तो बहुत होती है मेरे से, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं किसी की कॉपी नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, सब लोग मेरी कॉपी करते हैं, मैं किसी की कॉपी नहीं करती। लाइक सब लोग आपकी कॉपी करते हैं? यस। ग्रेट जी। रेखा जी, राजस्थानी सॉन्ग्स के अलावा आपको हिंदी गानों में कौन सा गाना पसंद है, गा के बताइए दो लाइन। मेरा फेवरेट सॉन्ग तो आपको पता ही है, रश के कमर। जी बिल्कुल, इसका मतलब है हुस्न लाजवाब। ओके, लाजवाब हुस्न। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। बहुत बढ़िया। रेखा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप हमारी इंडस्ट्री में बहुत जॉली और एंटरटेनिंग नेचर की मानी जाती है, लेकिन उससे बियॉन्ड एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि कभी किसी सेट पे ऐसी कोई घटना हुई जिससे आप परेशान हुए हो, या आपका दिल दुखा हो, या आपको बहुत गुस्सा आया हो, कभी भी? जैसे अभी आपने बोला कि कहीं शूटिंग पर गए और ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसा हुआ था, जैसे कि रेगुलर शूटिंग आती रहती है, तो जैसे कहीं ऐसा काम होता है कि शूटिंग का सिर्फ भजन वगैरह करने होते हैं, तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि सब गाने हटके हो मेरे सॉन्ग। तो एक बार मैं शूटिंग पर गई थी, तो वहाँ पे क्या मतलब रेगुलर शूटिंग तो बोर हो गई थी मैं बहुत। तो फिर मैंने कहा अब मुझे ऐसा काम नहीं करना है, ज़्यादातर मुझे अच्छे और हाई लेवल के सॉन्ग करने हैं, जिससे थोड़ा मार्केट हो और पब्लिसिटी हो। आप अपनी खुद की पर्सनालिटी किस तरीके से देखती हैं? आप किस तरीके का काम एक्चुअली करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरे सारे सॉन्ग हटके हो और पब्लिक देखे, शेयर करे वीडियो वगैरह, और मेरे बहुत फैंस है जो मुझे फॉलोअर्स करते हैं फेसबुक पे, और जैसे कि आप PRG में मेरा पेज भी बना हुआ है रेखा मेवाड़ा नाम से, तो सब लोग सॉन्ग वगैरह देखते हैं, लाइक शेयर करते हैं। और रेखा जी, कैमरा के सामने के अलावा कैमरे के पीछे आपकी लाइफ कैसी है, क्या है, वो हम जानना चाहेंगे। मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल और सरल है, जैसे कि फ्री टाइम में मैं मेरी फैमिली के साथ रहती हूँ और बहुत हैप्पी महसूस करती हूँ। मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है, मेरी भांजी है, बस यही मेरी लाइफ है, और मेरे भैया है। और जैसे कि मैं फ्री टाइम में रहती हूँ तो फैमिली के पास बस ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, और मैं यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो देखती हूँ और अलग अलग एक्टिंग, इससे ज़्यादा अच्छा अभिनय करने की कोशिश करती हूँ, और बस। खाली समय में आप क्या करती है? लाइक कई लोगों की आदत होती है पेंटिंग, पढ़ना, ये सारी चीज़ें, आप अपना टाइम पास कैसे करती है, फास्ट टाइम आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट टाइम है सिर्फ यूट्यूब। ग्रेट, चलिए आप उससे जुड़े हैं और जुड़े रहते हैं, ये अच्छी बात है। हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ की किसी ऐसी घटना के बारे में जिसने आपको अंदर से ऐसे झकझोर के रख दिया होता है। हमने हमेशा आपको हंसते हुए एक जॉली नेचर की तरह देखा है, लेकिन अंदर हम जानना चाहेंगे एक रेखा मेवाड़ा को। अच्छा, आपकी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जी? आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा, ये सब ऐसे ही आपके हाथ में आ गया, या कुछ स्ट्रगल आपने किया? मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी और आज मैं एक स्टार बन गई हूँ, लोग मुझे रेखा मेवाड़ा नाम से जानते हैं। जैसा कि मेरे घर में जब मैं स्टार्टिंग में ये काम करना शुरू किया वीडियो का, तो
घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, बट मेरे घर वाले जो थे, जैसे कि मेरी फैमिली मेंबर्स, कज़न वगैरह, उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि ये क्यों जाती है, क्यों, मतलब लोगों को बहुत जलन होती थी, घर वाले भी और जैसे कि बाहर वाले भी है, तो वो चाहते थे कि ये जहाँ पे वही रहे, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी थी, एकदम मिडिल क्लास के थे हम. तो मेरे पापा की डेथ होने के बाद ही मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और इतना आगे बढ़ी. और जैसा कि आप जानते हो कि पहले मेरे को कोई नहीं जानता था. जैसे जैसे मैं राजस्थानी वीडियो एल्बम वगैरह में काम करने लगी, तो सब ने मुझे सपोर्ट किया. जैसे कि मेरे मम्मी है, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया. और जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया और लोग मुझे देखते गए, तो फिर जो मेरे कज़न थे, तो उन्होंने भी बोला, अब तो रेखा अच्छा काम कर रही है. जैसे जैसे आपको पता है कि मिडिल क्लास के होते हैं तो लोग बातें बनाते हैं, ये तो ऐसी है, वैसी है, वो. तो फिर मैंने बहुत संघर्ष करके आज मैं इस पीढ़ी तक पहुंची हूँ. जी, माफ़ी चाहेंगे ये सवाल करने के लिए, लेकिन आपके पिताजी के देहांत के बाद आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जैसा कि आपने पहले बताया, आपने अपना घर चलाया खुद ने और अब तक चला रही हैं, तो उस दरमियान क्या क्या मुश्किलें हुई आपके सामने? जैसा कि मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है, मेरे पापा के देहांत के बाद सिर्फ मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया मुझे. बाकी हमारे घर वाले कोई भी नहीं चाहते थे कि हम बड़े लेवल पे आगे बढ़ें या कुछ करें, संघर्ष वगैरह. वो चाहते थे कि ये गरीब है तो गरीब ही रहे. उनका मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो आगे बढ़े और इनका नाम हो. वो चाहते थे कि जैसे स्तर पे है वैसे ही खड़े रहें. हमारे घर वालों ने, सब ने हमारा साथ छोड़ दिया था. सिर्फ मेरी मम्मी थी, मेरे सिस्टर और मेरा भाई, बस हम ही थे हमारे लाइफ में. और फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी ने सिलाई सेंटर लगाया और हमें पाला, बड़ा किया, पढ़ाई कराई. और आज मैं शूटिंग लाइन में, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का सब सपोर्ट, फुल सपोर्ट सिर्फ मेरा ही रहे. और मैं मेरे घर वालों के लिए सब कुछ करूँ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखूँ. बहुत बढ़िया. क्या आपके उन रिश्तेदारों का जो आपके पीठ पीछे बोला करते थे या सामने सपोर्ट नहीं किया उन्होंने कभी, क्या आज उनका नज़रिया बदला या आज भी वो वैसे ही है आपके लिए? नज़रिया बदला है, लेकिन उनको जलन होती है कि ये लड़की क्यों आगे बढ़ रही है और क्यों ये इतना कर रही है. तो लोग बुराई भी बहुत करते हैं मेरी कि इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, शूटिंग में नहीं जाना चाहिए, इसको तो काम नहीं आता है, इसको किस लिए आप काम में लेते हो, शूटिंग पे क्यों बुलाते हो, इतनी कोई अच्छी भी नहीं लगती है, डांस बिल्कुल नहीं आता है. बहुत बढ़िया, यानी कि आपने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे. मुझे इस इंडस्ट्री में आने के लिए कम से कम 4-5 साल लग गए, उसके बाद आज जाके मेरा नाम हुआ है. और सबसे ज्यादा सपोर्ट सज्जन सिंह जी गहलोत का है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका. धन्यवाद सर जी. इस इंडस्ट्री में जाहिर सी बात है आपने खूब नाम कमाया, नाम के अलावा आपने क्या क्या पाया हम जानना चाहेंगे? नाम के अलावा घर वालों का सपोर्ट और गाड़ी है, पैसा है, घर का मकान है और अच्छी फैमिली जी रही हूँ मैं आज, अच्छी लाइफ जी रही हूँ. और सबसे ज़्यादा मैं मेरी मम्मी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. मेरी मम्मी जैसी आज तक सपोर्ट करने वाली शायद ही मुझे मिलेगी, तो मैं मेरी मम्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और मैं चाहती हूँ कि मेरे फैंस जो भी मुझे देख रहे हैं आज, तो उनका फुल सपोर्ट चाहती हूँ. और मेरी वीडियो देखे, गाने देखे और शेयर करें जी. बहुत खूब, बहुत बढ़िया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और आप यहाँ पे पहुँचे. जी बिल्कुल, ऐसे ही हमारी राजस्थान इंडस्ट्री की शख्सियत को हम आपसे मिलाते रहेंगे पीआरजी फिल्म स्टूडियो के इस नई श्रृंखला में जीवन दर्पण. तब तक के लिए टीना राठौर की तरफ से आप सभी को खमा गणेश.